Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. Koi jeene wali mujhko wajah na mili. Ammi ne mamu ko sab keh diya. Wo aapko Karachi meri baat karne bula rahe. Reem, aise kaise ho sakta hai? Wo to unse itni mohabbat karte the. Bas zindagi mein sab kuch ho sakta hai. ऐसी ऐसी बातें जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने आपको कहा भी था कि शादी की कोई बात मत कीजिएगा। मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। ज़हनी मर्ज है। इसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगता है और फिर रफ्तार रफ्तार सब कुछ भूल जाता है। देखो कितना कंफ्यूज हो गया। याद है इसकी मेरी कितनी लड़ाई हुआ करती थी कि नेहानी भाभी बोला करो शुरू में। कुछ पता नहीं दो चार दिनों में मुझे भी अशर की जगह भाई बोलना शुरू कर दे। सो प्लीज प्लीज तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज मुझे उनकी जरूरत है और तुम उन्हें लेके जा रहे हो। वो कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म। अच्छा इतना अरसा हो गया आपने मुझे कोई अच्छा सा शेर नहीं सुनाया। पहले तुम फिर मैं। मुझे माफ कर दीजिए, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना। तुमने क्या किया? ऐसी क्यों कह रहे हो? तुमने मुझे कौन सी तकलीफ पहुंचाई? फिर से बात हुई? वो कह रहा था ना लेके जाओ। मुझे पता था वो यही कहेगा। मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं, उसके आने से पहले निकल जाते हैं। बगैर बताए? नहीं बेटा, यूं बगैर बताए चले जाना मुनासिब बात नहीं होती। उनकी हालत देख के फौरन समझ जाएगा। ये तो है, इसी वजह से तो मैं अशर को इनसे मिलने नहीं दे रहा था। ठीक कहते हो तुम, चले चलते हैं। आके हमें नहीं पाएगा तो टेंस होगा, मगर क्या करें। नेहा की हालत देखने के बाद पता नहीं कितना चांस है उनका। हमने कितने अच्छे वक्तों में अपने प्यारों को खुद से और अपने अच्छे जज्बात से दूर रखा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। अशर के लिए भी काफी देर हो गई है। हाँ, शायद मुझे भी बहुत देर हो चुकी। चलते हैं यार, चलते हैं। हाँ जी, बोलो सर। हाँ वो मैं अम्मी अबू को लेके चला गया हूँ। क्या मतलब, कहाँ चले गए? इस्लामाबाद, हमें सीट मिल गई थी। मैंने तुम्हें मना भी किया था और तुम फिर भी ले गए उन्हें। रहीम वाकई सही कहती है, तुम वाकई खुद गर्ज हो। कहाँ हो अभी? इस सब प्लेन में। आप फोन पे खुदाफिज कह देना। जैसे लग रहा है कि मैं दुश्मनों में गिर गया हूं।
ऐसी बात नहीं है, हम सब आपके लिए काफी परेशान हैं। नहीं, तुम सब लोग तंग पड़ गए हो, आजिज आ गए हो। But you know what? मैं नहीं आजिज आया। जो करना कर लो तुम लोग, बट ये याद रखना कि मैं आखिरी दम तक नेहा के साथ हूँ। आप अम्मी अब्बा से बात कर लें। उन्होंने जाने से पहले मुझसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा, तो मैं क्यों उनसे बात करूं? मुझे नहीं करनी उनसे बात। बेटा चाचू चले गए। कहाँ? इस्लामाबाद। चलो मुंह हाथ धो और कपड़े चेंज करके आओ। और दादा दादी कहाँ हैं? बेटा वो भी चले गए। सब चले गए? हाँ बेटा सब चले गए, सिर्फ हम रह गए। इसे ने रौसम, हमें किसी और की जरूरत थोड़ी है, चार ही काफी एक दूसरे के लिए। एक मिनट, चार को? आप, मैं, समर और मामा। लेकिन मामा तो नहीं है। बेटा मामा सो रही है, जाग जाएंगी तो हम रहेंगे उनको। वो नहीं उठेंगी। किसने कहा नहीं उठेंगी? मामा बिल्कुल ठीक है, मैं रोज मिलता हूँ उनसे। मुझे भी मामा से मिलना है। नहीं बेटा आप नहीं मिल सकती मामा से। क्यों? बेटा बच्चे हॉस्पिटल नहीं जा सकते ना। अलाउड है, आप खुद हमें नहीं ले जाना चाहते हैं। बेटा मैं क्यों नहीं आपको लेके जाना चाहूंगा हॉस्पिटल? क्योंकि वो मर गई है। बातें मत करो, थप्पड़ मारूंगा। चलो दोनों ऊपर जाओ, कपड़े चेंज करके आओ, मुंह हाथ धो के आना और जल्दी आओ, खाना खाओ। हाँ भाई खाना खा लिया? चलो वेरी गुड। अच्छा अब तुम लोग आराम से बैठ के होमवर्क करो, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। आप ऑफिस जा रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे? हम अकेले रहेंगे। बस एक और दिन बेटा, मैं कल किसी से बात कर लूंगा। वैसे मैंने साथ वाली आंटी से कह दिया है, वो चक्कर लगाती रहेंगी। और नाइल आप बड़े हो, आपने समर का ख्याल रखना है, ठीक है? किचन में नहीं जाना तुम लोगों ने, और चूल्हे को नहीं जलाना, और नाइफ को बिल्कुल नहीं टच करना। कोई भी ऐसा अनसेफ काम नहीं करना आप लोगों ने। और ये फोन रखो अपने पास। हम फेरी आंटी को बुला लें? नहीं नहीं बेटा, बार बार किसी को तंग करना अच्छा नहीं लगता। मैं कॉल करूंगा ना आप दोनों को, और आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते हो। और एक बात गौर से सुन लो तुम दोनों, सिवाय साथ वाली आंटी के आप लोगों ने किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलना, सुना? सुन लिया। अच्छा चलो अपने ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके? और ये फोन भी नहीं ज्यादा टाइम इस्तेमाल करना। चलो हाफिज बच्चो। हेलो अरसल, शुक्र है आपने फोन किया। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नाराज? नाराज क्यों हूँगा मैं? वो आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे ना? नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। सच्ची कसम खाएं वरिशा, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। इससे ज्यादा जरूरी कोई बात होगी? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। आप कब आएंगे? I really miss you. इतनी देर से मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ ना, हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। आप वापस आ गए? रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। अब्बा और अम्मी मेरे साथ हैं, वो को बता देना। वो भी आ रहे हैं, बात होगी? कौन सी बात? जो होनी थी। क्या होनी थी? अल्लाह तंग ना करे ना। मरीशा बस मैं घर पहुँचने वाला ना, घर पहुँच के बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। अम्मी, अम्मी, अम्मी! या अल्लाह क्या हो गया? आराम से इधर 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 क्या हुआ? सॉरी अम्मी, अम्मी वो आ रहे हैं रास्ते में, अम्मी अब भी साथ हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं ना
जाहिर है इसीलिए आ रहे और किस लिए आएंगे? इसका मतलब मैं सब ठीक हो गया, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। अल्लाह मैं क्या करूं? तुम जाके चेंज करो। अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले तो तुम मुझसे माफी मांगो इसलिए कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है। I'm so sorry. And I'm पक्का वादा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। अच्छा मैं चाहती हूँ तैयार होकर आती हूँ। जा। अरे पता नहीं खाने के लिए भी कुछ है कि नहीं। अब्दुल मैं टीवी ऑन कर लूँ? नहीं मैं होमवर्क कर लूँ फिर। देखो देखो दादू ने वहाँ कुकी जार छुपा के रखी है, मुझे खानी है। अभी नहीं। नहीं मुझे अभी चाहिए, मैं खुद उतार के ले रही हूँ। गिर जाओगी। नहीं गिरती। क्या हुआ? मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। मैं उतार के देता हूँ। देखो समझ कुछ नहीं होता, मेरा भी तो खून निकल रहा है, मैं तो नहीं रो रहा। अच्छा मैं बाबा को फोन करता हूँ। बाबा ने कहा थी वो मीटिंग पे है। फेरी आंटी को फोन करूँ? हाँ लेकिन बाबा ने तो मना किया था। प्लीज हेलो फेरी आंटी। नाहिल बेटा कैसे हो? मेरा हाथ कट गया और समर का पाऊं। क्या कैसे कटा? तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? घर पे। हम कुकीज जार निकालने की कोशिश कर रहे थे तो नीचे गिर गया। ओह माय गॉड, तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? वो चले गए। कहाँ चले गए? चचू आए थे लेके चले गए। तुम्हारे चाचू आए थे? हाँ। I can't believe it. तो अब कहाँ हैं? इस्लामाबाद चले गए। दादा दादी को लेके चले गए और तुम्हें अकेला छोड़ दिया? जी, समर के पाँव से ब्लड भी निकल रहा है और उसको दर्द भी हो रहा है। ठीक है मैं आ रही हूँ। ओके ओके बाय, मैं आ रही हूँ। Oh my God. बाजी ट्राली। अच्छा अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। भाई आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अच्छा नहीं किया आपने। मैंने फोन किया था, मुझे पता चल गया था कुछ सही नहीं है। क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों हैं? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। आप आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे फजूल बोलता है डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ आपको, आप ठीक है। अच्छा बस 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 करें ना वो, प्लीज अब ऐसे परेशान हो रहे हैं, प्लीज। भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उन्हें अकेला छोड़ दिया? तुमने पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो मेरे लिए, मैं तुम्हें और मजीद तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। वो आपके साथ था ना जब आपने मुझे फोन किया था? और वो लोग अचानक से चले कैसे गए?
पता नहीं मेरे प्यारे भाई साहब आए और उन्हें लेके चले गए। कल ही उसे मैं नेहा से मिलवाने ले गया था हॉस्पिटल। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी सारी सिचुएशन देखने के बाद वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जिस तरह उसने मेरे साथ किया था, आ गया होगा वो वरीषा के प्रेशर में। वरीषा? वरीषा कहां से आ गई बीच में? तो आपको क्या लगता है उसने मुझे क्यों छोड़ा है? वरीषा की वजह से? सवाल ही पैदा नहीं होता, उतना इडियट नहीं है वो। मैंने और मम्मी ने सेपरेटली उन दोनों को साथ देखा है। देखो तुम जो मर्जी कहो, मैं नहीं मानता। ये मेरा भाई है, मैं उसे जानता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि आप उसे जानते हैं। कभी आप दोनों ने ढंग से बात की है साथ? हरीम, किसी को जानने के लिए ढंग से बात करना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हो, तुम्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज अ लूजर और वो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तुम पूछ रही हो कि बता रही हो? बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, गुड। ठीक है फिर, मैं चलती हूँ, कल चक्कर लगाऊंगी। चलो, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, लाफ्स। छोड़ो सब कुछ, सो जाओ। कैसे छोड़ू, मैं तो उनका सामना भी नहीं कर सकती अब। ट्रॉली लाने से पहले देख लेना था ना, क्या जरूरत थी ये कपड़े पहन के आने की? आपने खुद ही तो कहा था कि तैयार हो जाओ। मैंने दुल्हन बन के आने को नहीं कहा था। तौबा है, क्या सोचेगी वो लोग? वो लोग इनकार तो नहीं कर देंगे ना। या अल्लाह, मैं इस लड़की को कहां से अकल दूं? भाभी की तबीयत इतनी खराब है, शादी तो दूर की बात है, वो कोई बात सोच समझ ही नहीं सकती। अम्मी मैं क्या करूं अब? तुम ऐसे करो, ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमत करो। जितना ज्यादा उनके करीब रहोगी ना तुम, उतना उनके दिल में घर कर लोगी। मेरे ख्याल से अब सही कह रही हूँ। चलो छोड़ो सब कुछ, अब सुबह माफी मांग लेना उनसे। चलो समेटो ये, सो जाओ। नॉयल, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर से शुरू करो। समर प्लीज फोन उठा लो। स्टार्ट अगेन। रेडी गो। हेलो, मैं समर हूँ। आंटी नॉयल के साथ PS4 खेल रही हैं। कौन है? आपकी मम्मी। आज फेरी आंटी को बहुत ज्यादा डांटा। किसने? उनकी मामा ने। कि मामा ने? ये मामा कहाँ से आ गई उनकी? समर, आंटी ने मना किया था। इट्स ओके। अच्छा बताओ क्या कहा था उन्होंने? आज फेरी आंटी का फोन आया था। अच्छा तो? तो उसने फोन उठा लिया। मैंने उठाया नहीं था, उन्होंने कहा था उठाने के लिए। नहीं, इन्होंने कहा था उठा के दे दो। जी नहीं, उन्होंने कहा था उठाने को। ओहो, इट्स ओके। अच्छा फिर आपने क्या कहा उनसे? मैंने कहा मैं समर बोल रही हूँ, फेरी आंटी और नॉयल PS4 खेल रहे हैं। अच्छा फिर? उन्होंने कहा फोन दो, मेरी बात करा उनसे। अच्छा अच्छा, सबसे नीचे बैठा के। हाँ फिर? फिर इन्होंने इतना गुस्सा किया कि बस फेरी आंटी बहुत कह रही थी के सॉरी अब नहीं करूंगी, लेकिन वो डांटती ही रही और फिर फेरी आंटी रो रो के चली गई। और आपसे कहा कि मुझे ना बताना। चलो सो जाओ। आजो। अब अम्मी अबू आ गए, ऐसे ना आया करो, बुरा लगता है। वो मैं बस आपको सॉरी बोलने आई थी। क्यों? वो शाम को मैं ट्रॉली लेकर आ गई थी। कहाँ? आप लोगों के सामने
आपको याद नहीं है? नहीं, ट्रॉली लेके आई थी, फिर क्या हुआ था? Listen, I'm really sorry, man. अम्मी की वजह से इतना परेशान हूँ, मेरे ध्यान ही नहीं जाता कहीं। आप उनकी फिक्र ना करें, मैं उन्हें देख लूंगी। कोई नहीं है, अब्बू मेड रख रहे हैं ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? नहीं, पूछो। मामू ने आपसे कोई बात की मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में क्या? कुछ नहीं। सो मेरा ऑफिस का काम पाइल अप हुआ है, मैं कर लूं प्लीज? मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। क्यों, आप आराम से काम कर लेंगे ना? सुनो जी, You know, you're very beautiful. अगर मुझे जिंदगी में कभी भी शादी करनी हुई ना, तुमसे करूंगा। अगर तुम्हारी तब तक ना हुई। आप सच कह रहे हैं? मैं ऐसी पागलपन में बोल रहा हूं, स्ट्रेस्ड आउट हूं ना। तुम मुझे इस वक्त एक सायादार दरख्त लग रही हो, जाना नहीं प्लीज, यही रहना। तुम होती हो तो जिंदगी नॉर्मल लगती है। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या कर रहे हैं? नेहा से मिलने आया था तो सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। मुझसे अचानक चली गई थी, खैरियत है, सब सही है। परेशान लग रही हो बहुत। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, शाम को तो आओगी ना? आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, देखो तुम्हारा दिल करे तो तुम आना और ना करे तो मत आना। You know what? Just follow your heart. Follow your heart? Follow your heart से क्या मतलब है? जो भी दिल करे हम कर लें। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? उसने heart follow किया था ना अपना, शादी से भाग गया था। Daddy ने भी heart, you know what? उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी आपसे। अच्छा तो तुमने क्या फैसला किया? ने दिल की सुननी है कि लोगों की? आपको पता चल गया है ना? क्या आप हंस रहे हैं? मुझे पता है कि आपको पता चल गया है ना? यही कि तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। It's not funny. आपको पता है उन्होंने मुझे कितनी सुनाई है, कितनी मुश्किल में पड़ गई थी मैं। Anyways, देखो मैं तुम्हारी मम्मी को समझ सकता हूँ। How can it be कि एक ऐसा बंदा जो तुम्हें तुम्हारी मेहंदी वाली रात को ही छोड़ के चला गया, तुम अब भी उसकी फैमिली से मिलती जुलती हो, ताल्लुक रखती हो, असूलन तो तुम्हें हमारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। So, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो मैं तुम्हारी मम्मी की सोच तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी इट्स योर लाइफ, योर डिसीजंस। बस जो भी करना है मेरे बच्चों को बता के करना, वरना उन्होंने मेरा दिमाग खा जाना। आपको पता है बहुत ही ऑकवर्ड है,
मेरे तो समझ में नहीं आता कि नेहा भाभी ने आपके साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लिया। ये सवाल तुमने मुझसे पहले भी पूछा था, बस अल्लाह करे वो बोलने लग जाए, फिर मैं तुम्हें खुद बैठ के बताऊंगा ये सब। डेफिनेटली इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। I'll see you when I can. Thank you. Bye bye. भाभी रात आराम से सोई? वो उसे बार बार लग रहा था कि वो भी अशर के घर में है। बाथरूम तक के बारे में कंफ्यूज हो रही थी। देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया? डॉक्टर का ख्याल है कि बात शायद पुरानी है, हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। क्या गौर करते हैं, दूसरों की गलतियों के बारे में गौर करने से फुर्सत मिलती तो उसके बारे में गौर करता। नहीं नहीं भाई, आपने जान के थोड़ा ही किया है कुछ। जान बूझ के ही किया है मैंने। पता ही नहीं था मुझे कि अपने घर वालों के साथ बर्ताव कैसा करते, कभी गौर ही नहीं किया मैंने कि मेरी बीवी बेचारी दिन रात काम में जुटी रहती। कभी सोचा ही नहीं कि बैंक में इतना पैसा मौजूद है जो हम दोनों के काम आ सकता है। न उसे जरूरत है न मुझे, लेकिन फिर मैं भी किन बातों में लग गया। तुम सुनाओ सब ठीक है भाई? वो वरीशा और अरसल के बारे में आपसे बात की थी, जवाब नहीं दिया आपने। हाँ वो बस मैं बात ही नहीं कर पाया अभी तक। कोई बात नहीं, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं बात करूंगा मैं उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामी। आपने जो कहा था ना, बिल्कुल सही कहा था। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ। शुक्र है आपको अकल तो आ गई, अब दुआ करें कि उसने आपके कारनामे बढ़ा चढ़ाकर और लोगों में बयान न किए हों। नहीं मामी, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। आपको कैसे पता? मुझे उन पर भरोसा है। आपसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सही कह रही हैं, लेकिन वो बच्चे मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाए हैं। उन्हें मेरी नहीं, मुझे उनकी जरूरत है। ये कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप, और क्या चाहते हैं आप? मैं खुश रहना चाहती हूँ मम्मी, आप अंदाजा नहीं लगा सकती जितनी खुशी मुझे उन बच्चों की वजह से मिली है ना, वो मेरे लिए थेरेपी है। आप पागल हैं, असल खुशी सक्सेस में मिलती है। आप नुसरत को देख ले कितने खुश है वो। जब आप उस मर्तबे पर पहुंचेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। मैं ऑलरेडी जान चुकी हूँ कि खुशी क्या होती है। मैं ऐसे ही हूँ मम्मी, एक शख्स की बुराई की वजह से मैं खुद बुरी नहीं बनना चाहती। यू आर अ गॉन केस, जो आपका दिल चाहे वो आप करें। मैं समझ लूंगी कि मेरी एक ही बेटी है। हेलो मम्मी, हेलो नुसरत जी,
सॉरी जी मम्मी बताएं। कुछ नहीं, मैं थोड़े दिनों के लिए आपके पास आ रही हूँ रहने के लिए। जी जी आई नो जी, मैं ख्याल रखता हूँ, पूरी तरह ख्याल रखता हूँ, बेहतर। मैं आपको बताता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी अब्दू आपने बुलाया था, बैठो। नहीं ठीक है, आप बोले। असल बेटा मैं तुम्हारी है और वरीशा की वजह से फिक्रमंद हूँ। मेरी और वरीशा की कोई बात नहीं है इस वक्त, मुझे अम्मी की फिक्र है बस। बेटा तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनका बेटा हूँ। बिल्कुल उनके बेटे हो, इसमें कोई शुभा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी है ना। देखो वर्षा, तुम्हें दिल से चाहते हैं। जी पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल मंग नहीं कर सकते। शादी करनी होती मैं हरीम के साथ ना करता। गलती की ना करके, कुदरत बार बार ऐसे मौके नहीं दिया करते। प्लीज मुझे नहीं करनी। देखो उससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, वो तुम्हें दिल से चाहती है। मैं तो नहीं करता। आई नो, मुझे एक बात बताओ, क्या हरीम जितनी शिद्दत से मोहब्बत तुम किसी और लड़की के साथ कर सकोगे? पता नहीं। पता नहीं है तो उससे करो जो तुम्हें चाहता है। पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है तुमने, अब किसी एक का दिल रख भी लो। मेरी वजह से सिर्फ हरीम को दुख पहुंचा है, किसी और को नहीं। हरीम के माँ बाप और उसके अजीजों की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजरों में, पता है ना तुम्हें। तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद उसकी दादी इंतकाल कर गई थी। हरीम की माँ और बाप में तलाक हो गई थी और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जाके उनसे माफी मांग लो। पता नहीं कितने लोगों की आह ली है हमने, तभी तो इस घर का ये हाल हो गया है। बाबा अब वो नहीं आएंगी ना? आएंगी वो। आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे तुम लोगों की पावर का पता है। तुम लोग बुलाओ वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हैं? हैं। छोटी सी प्यारी सी जान की टुकड़ी। बाबा आप जीत गए। हेलो रेखा, कह रहा था ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मान ही नहीं देती। आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगी? क्योंकि मुझे पता था कि तुम इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। Really? हाँ, इन दोनों से पूछ लो। हाँ कहा था, और पता है बाबा को मामा का भी पहले से ही पता होता था। मामा की बात डिफरेंट थी। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ दोनों जाके खेलो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है जस्ट कम। क्या हुआ है? कुछ नहीं। एक बात पूछूं, आप बच्चों को नेहा से नहीं मिलवाएंगे? पता नहीं हरी। क्या मतलब पता नहीं, उनका भी तो हक है। तुमने नेहा को देखा ना, तुम्हें धचका लगा? कहा था तो फिर तुम
क्यों चाहती हूँ कि इन बच्चों को भी वही धचका लगे, कि उससे मिलेंगे, उससे रिस्पॉन्स चाहेंगे, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो उनका दिल नहीं दुखेगा। तो क्या आप कभी नहीं मिलवाएंगे? ठीक हो जाएगी तो मिलवा दूंगा। और अगर खुदा ना खास्ता तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी माँ को ऐसे याद रखे जैसे वो हमेशा थी, हॉस्पिटल बेड वाली निहाली। अशर, आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझसे उसकी ये हालत नहीं बर्दाश्त होती तो ये बच्चे बेचारे कैसे करेंगे? उनके बच्चे हैं। देखो हरी, मैं उनका बाप, and I know what I'm doing, so you better stay out of it. कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली।